पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत हो गई कोरोना वायरस की वजह से। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनकी मौत हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में उनका काफी दबदबा रहा है, इसीलिए वे अपने पॉलिटिकल करियर में 7 बार लोकसभा चुनाव भी जीते। अगर उनकी संपत्ति के बारे में जिक्र करें तो ना तो उनके पास अपने खुद की गाड़ी थी और ना ही सोना चांदी। दिल्ली में एक फ्लैट में है, साथ ही उनके पास गाजियाबाद से लेकर छत्तीसगढ़ तक करोड़ों रुपए की एग्रीकल्चर लैंड है। ये तमाम जानकारी 2019 लोकसभा चुनाव में सौंपे गए एफिडेविट से ली गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार चौधरी अजीत सिंह अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए। 2019 में चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 47,349 रुपए कैश था। वही उन्होंने बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 12,399 रुपए जमा किए गए थे। ब्रांड डिबेंचर्स और शेयर में उन्होंने 97,25,573 रुपए का निवेश किया हुआ था। वही 42,15,615 रुपए पर्सनल लोन भी था, यानी उनके पास 1,51,88,936 रुपए चल संपत्ति के रूप में थी। ना तो उनके पास खुद की गाड़ी थी, ना ही उनके पास सोने और चांदी के जेवर थे। उनके नाम पर कोई LIC पॉलिसी भी नहीं थी, ना ही उन्होंने किसी सरकारी योजना में निवेश किया हुआ था। भले ही वो शुरुआती दौर में कॉरपोरेट दुनिया में जुड़े रहे हों, अमेरिका में नौकरी करते रहे हों, लेकिन खेती और किसानी से उनका लगाव कम नहीं था। उनके अपने गांव छपरौली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, टप्पल, अमरोहा, ग्वालियर और छत्तीसगढ़ में कई एकड़ के एग्रीकल्चर लैंड है। वास्तव में अजीत सिंह की असल संपत्ति भी यही है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है, जिसकी कीमत समय और काल के हिसाब से घट और बढ़ सकती है। 2019 के एफिडेविट में इन जमीनों की कीमत 9 करोड़ रुपए बताई गई है। वही चौधरी अजीत सिंह के नाम पर दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस के पास एक फ्लैट भी है। चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक इसकी कीमत 6,39,00,000 रुपए के लगभग बताई गई है। इसके अलावा उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। राजनीति में आने से पहले वो अमेरिका में नौकरी करते थे। उन्हें कभी राजनीति से मोह नहीं रहा, वो भी तब जब पिता प्रधानमंत्री तक रहे।